नमस्कार, मैं राउडी हीरो विजय कुमार आप लोगों को, पूरे भोजपुरिया समाज को नमस्कार। आपकी फिल्म बब्बर आ रही है, बताइए आप बेसिकली क्या इस वक्त काम चल रहा है बब्बर का? बब्बर का पोस्ट प्रोडक्शन लगभग कंप्लीट है और हम लोग अभी ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं नवरात्रि पर, और चैत्र रामनवमी का नवरात्रि आ रहा है तो उस पर ट्रेलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। टीजर आप लोगों ने देखा था, एक्शन से भरपूर टीजर था, और नवरात्रि में आप लोगों को ट्रेलर देखने को मिलेगा। अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में आप लोगों को मूवी देखने को मिलेगी बब्बर। और जब ट्रेलर की बात की जाए तो टीजर तो काफ़ी धमाकेदार था, ट्रेलर कैसा होगा? कहीं ना कहीं टीजर से कुछ अलग और देखने को मिलेगा और उससे ऊपर देखने को आपको ट्रेलर मिलेगा, क्योंकि एक्शन पैटर्न मूवी है, बब्बर टाइटल ही अपने आप में एक एक्शन है, तो आप लोगों को कुछ अलग और उसमें कुछ मसाले गाने वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे ट्रेलर में। बेसिकली चुनाव वाले महीने में आप फिल्म रिलीज कर रहे हैं, ज़्यादा तो लोग करना नहीं चाहते, उसके आसपास रिलीज कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये सही वक्त होगा? हाँ, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फर्क चुनाव से पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस अभी फिल्म और रिलीज भी हो रही है, कुछ अगले महीने में अपना एक दो तीन फिल्में और आ रही हैं, तो उनके बाद में मुझे लगता है कि करना चाहिए, तो देखा जाएगा उस हिसाब से माहौल क्या होगा। जब बात होती है गब्बर की तो बहुत सारी बातें होती हैं कि गब्बर से जुड़ी हुई है, गब्बर की ही तरह कहानी, क्योंकि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, तो गब्बर से कैसे लगता है? नहीं, गब्बर से अलग इसलिए है क्योंकि गब्बर में अक्षय कुमार जी अलग एक ही हीरो थे, और इसमें जो है दो हीरो की कहानी है, और गब्बर में दो हीरो हैं हम, जैसे कि कल्लू और मैं हीरो हूँ, और कल्लू के बड़े भाई का रोल किया हूँ, तो कुछ अलग है उसमें कहानी। मज़ा आया आपको शूटिंग में? हाँ, मज़ा बहुत आया शूटिंग में, और पहली मूवी है मेरी भोजपुरी में, इसके बाद में दूसरी मूवी भी एज ए हीरो करने जा रहा हूँ, तो अच्छा लगा मुझे इस इंडस्ट्री में आकर और शूटिंग कर लिया। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या? मैं रहने वाला बेसिक सिद्धार्थनगर जिले में एक छोटा सा गांव है मोहाना बाजार, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और अपना 20 ईयर मैं वहीं पे बिताया हुआ हूँ, 7 ईयर से मैं बाहर, और अपने मम्मी पापा के साथ में बिजनेस करता था, और उसी बिजनेस को लेकर के फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे एक छोटा सा ये आया कि नहीं, मुझे इस लाइन में आना चाहिए एज ए बिजनेसमैन, तो मैंने ये चीज़ें शुरुआत की और अच्छा एक शुरुआत मिला है मुझे। तो फिल्में करेंगे या फिर से वापस बिजनेस करने चले जाएंगे? नहीं, बिजनेस और फिल्में दोनों करेंगे, ऐसा नहीं है क्योंकि बिजनेस नहीं बंद करेंगे, क्योंकि बिजनेस करने के लिए लोग हैं तो उनको सैलरी पे तो रख के तो बिजनेस कराया जा सकता है, और फिल्में हम खुद ही करेंगे। फिल्म का कोई डायलॉग हम सुनना चाहते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जो बहुत बढ़िया लगा हो। एक्चुअल में फिल्म में एक डायलॉग है, मेरा ही डायलॉग है, क्या होता है कि मुझे नहीं पता होता बेसिक बब्बर कौन है और नवाब कौन है, तो लास्ट में क्लाइमेक्स में मुझे पता चलता है कि अच्छा बब्बर कौन है, तो मैं आज वही अभी टेलर पे ही बैठा था, तो उसमें एक डायलॉग है कि नवाब अगर मेरा भाई बब्बर है तो मुझे नाज है उस पर, और आज तक मैंने उसका मासूमियत देखा है, आज मैं उसका टांडो देखूंगा। क्या बात है, तो वो मुझे अच्छा लगा, और वो डायलॉग मैंने खुद ही मतलब बोला है, तो ऐसे ही बोला था, इमोशंस के साथ कुछ बोला था? नहीं, कुछ वहाँ का तो बात अलग ही होता है, क्योंकि डायरेक्टर जैसे चाहते हैं वैसे भी होता है। वैसे डायरेक्टर के बारे में भी क्या कहेंगे आप? अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने, और अपने हिसाब से वो जो फिल्में बनाते हैं अच्छी ही बनाते हैं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा देख के फिल्म, और सारे लोगों ने टीजर देख के रिस्पॉन्स अच्छा किया, तो कहीं ना कहीं अच्छा तो बनाया ही है उन्होंने। कल्लू जी आपके को आर्टिस्ट, वो कैसे थे? कल्लू जी अच्छे इंसान हैं, और साथ में कभी हम लोगों को ये नहीं फ़र्क हुआ कि वो एक इतने बड़े स्टार हैं और मैं नया कर रहा हूँ, तो उन्होंने सपोर्ट किया, अच्छा लगा मुझे, और एक भाई की तरह हैं वो हमारे कल्लू जी, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके मुझे। जब फिल्म आप लगभग रिलीज के लिए तैयार है तो ऑब्वियसली आपको इसके प्रमोशन की भी शुरुआत करनी होगी, प्रमोशंस कैसे कैसे करेंगे, क्या प्लान्स हैं? हाँ, प्रमोशन के लिए बस अभी मेरा ये ट्रेलर रिलीज हो जाएगा, तो ट्रेलर के बाद में हम लोग जो है बिहार जाएंगे, पटना जाके प्रमोशन के लिए तैयारियां, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम नहीं चाहते इसको डिस्क्लोज करें, लेकिन अच्छा कुछ होगा, हटके होगा इंडस्ट्री में। एक आखिरी सवाल, रिएक्शन चाहता हूँ आपकी ही इंडस्ट्री से, क्योंकि आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री के एक सदस्य हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है जी, सबसे पहले तो आप बताएं आपका क्या कहना है इसमें? मेरा कांग्रेचुलेशन है दिनेश जी को, और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है तो हम लोग सपोर्ट भी करेंगे, और वैसे भी हम राजनीति से बहुत ज़्यादा अलग रहते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है राजनीति के बारे में।